नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों की पेंशन कटौती पर सीडीएस को कर्नल साहब ने खूब धोया, कहा अरे कुछ तो शर्म करो। और सीडीएस के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को लिखा पत्र और सीडीएस की करतूतों की खोली पोल। तो आइए दोस्तों, पूरी खबर देखते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, उसी संदर्भ में सेना की दुर्दशा और जवानों के नैतिक पतन को जिस सिस्टेमेटिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है सीडीएस द्वारा, उस संदर्भ में 9 नवंबर 2020 को ये लेटर लिखा गया है कर्नल साहब द्वारा जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, और इसकी प्रतिलिपि दी है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को। दोस्तों, ये लेटर काफी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत कारनामों की पोल खोली गई है। मैं आपको कर्नल साहब ने जो जनरल साहब की करतूतें खोली हैं इस लेटर में, उसका सारांश संक्षिप्त में बताता हूँ। जो भाई इसको पढ़ना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट welfarenews.in पर इसको पढ़ सकते हैं, लेटर देख सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, जिसमें कर्नल साहब ने बताया है कि पहले तो जनरल साहब एक मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगी है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से जो हमारी सेना जहां पर जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है, उन स्थितियों में सेना के मोरल को अप करने की बजाय जनरल साहब उसको डिग्रेडिंग और डिमोरलाइज कर रहे हैं। अपने अजीबो गरीब रिकमेंडेशन लाके, जैसे कि अब वो पेंशन रिडक्शन का मुद्दा उठा के लाए हैं। इससे पहले भी उन्होंने इनोनिमस लेटर के माध्यम से सेना में जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उसके ऊपर जो टैक्स एग्जेम्पशन है उसको विड्रॉल करने के लिए रिकमेंडेशन किया था। दोस्तों, यह आपको बता दूं, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से लेके अब तक इस तरीके से डिफेंस बजट को रिड्यूस किया गया है कि ये जो बजट आज है, 1962 में चाइना के साथ जो वार किया था तब से लेकर अब तक का ये सबसे लोवेस्ट लेवल पर है। दोस्तों, यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये आपको ध्यान देने की कि जो डिफेंस बजट है उससे डिफेंस सिविलियंस को भी पे किया जाता है, यानी कि 5.25 लाख डिफेंस सिविलियन को पे और पेंशन इसी बजट से दी जाती है और वो उनके पास जाती है टोटल बजट का 40%। जबकि दोस्तों 25 लाख सैनिकों और वेटरन्स को कुल 60% इस बजट का पे और पेंशन के रूप में जाता है, यानी कि यहाँ डिफेंस सिविलियन पर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने सब जो उनके बेनिफिट्स हैं सबका एंजॉय कर रहे हैं। जबकि हमारे सीडीएस जो कि पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, इससे पहले वो नए नए प्रपोजल लेके आते हैं, कितने अच्छे आइडिया है उनके पास। जैसे उन्होंने डिफेंस लैंड को बेचकर हथियार खरीदने का आइडिया दिया, सीएचडी की फैसिलिटियां काटी गई, अधिकारी जो टीडी जाते हैं टेम्परेरी ड्यूटी पर जाते हैं उनकी होटल फैसिलिटीज को काट लिया गया। दोस्तों, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड कराए जो बजट है जिससे मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, फोर्स की, जवानों की, हमारे वेटरन्स की पे और पेंशन का पेमेंट हो, ना कि सीडीएस का कि वो जवानों की पेंशन कटवाए और उनके अधिकारों का हनन हो, उनकी सैलरी कटवाए। और अगर सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये अपनी दुकान बंद करे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे सिविल एजेंसी में बैंक गार्ड बुलाता है, बोलो गार्ड गन के साथ ड्यूटी के लिए आए, क्या ऐसे सेना में हो सकता है कि सोल्जर आए और अपने घर से हथियार लेकर आए ड्यूटी करने के लिए। लेकिन दोस्तों, पता नहीं सीडीएस किस मिट्टी के बने हैं, क्या क्या नए नए आइडिया लेकर आ जाते हैं। जिन्होंने अपना सारा जीवन, अपनी जवानी, सब कुछ देश को न्योछावर कर दिया, उन्हीं के ऊपर कैंची चलाते हैं। इसीलिए कर्नल साहब ने सीडीएस को मनोवैज्ञानिक रोगी कहा है, क्योंकि उन्होंने सेना के स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया है। जब सेना के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, जवानों के अंगेष्ट में एफआईआरें हो रही थी, तब इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उस समय भी 700 से ज्यादा हमारे डिफेंस पर्सनल ने सुप्रीम कोर्ट के साथ अप्रोच किया, लेकिन जनरल साहब की तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया गया। दुर्भाग्यवश उस समय आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आपने और सरकार ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों से अपने आप को पीछे कर लिया और जवानों के इंटरेस्ट को, जवानों के राइट को आपने सेफ गार्ड नहीं किया, उसकी देखभाल नहीं की, तब जवानों को सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करना पड़ा। कहाँ ले जाना चाहते हो सेना के स्तर को, क्या करना चाहते हो?
कर्नल साहब ने टिप्पणी करते समय कहा, ये मेरे ही विचार नहीं है, ये सोशल मीडिया में भी आपके अंगेंस्ट में कितने एंटी कमेंट्स हैं, जिससे पता चलता है कि जवानों की जो मेजोरिटी है, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड, उनका फेथ, उनका विश्वास आपकी लीडरशिप से उठ चुका है। तो दोस्तों, इस लेटर में और भी बहुत कुछ है, ये थी जानकारी आपके लिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।